गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद में पार्ट 4 के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। पार्ट 3 के अंतर्गत हमने असहयोग आंदोलन कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे से सविनय अवज्ञा की इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे हम आपको कि जब सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुए तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की ओर रुख किया, यानी गांधी जी द्वारा बनाया गया जो सत्याग्रह और जो असहयोग आंदोलन है जब वो सफल नहीं हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा की ओर अपना रुख किया। ठीक, इसमें क्या किया गांधी जी ने, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसके लिए उन्होंने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस पार्टी में अपना सहयोग नहीं दिया था। फिर क्योंकि वह आंदोलन की मदद से क्या करना चाहते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। फिर से देखिए एक बार कि सविनय अवज्ञा की ओर रुख क्यों हुआ, क्योंकि जब देखा गया कि सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा की ओर रुख किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया 1922 में। इसके लिए उन्होंने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया, एक स्वराज पार्टी का गठन किया 1922 में और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी में क्या किया था, उनका सहयोग नहीं किया था, क्योंकि वह इस आंदोलन में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद क्या हुआ, विश्वव्यापी महामंदी, इसके बाद पूरे विश्व में क्या हो गई, महामंदी का असर सामने देखने को मिला। तब देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 1926 में कृषि उत्पादन की कीमतें जो है वो गिरने लगी थी, 1926 में कृषि उत्पादन कीमतें वो गिरने लगी और 1930 के बाद क्या हुआ कि पूरी तरीके से धराशाही हो गई, पूरी तरीके से धराशाही हो गई। फिर जो कृषि उत्पादन की मांग थी वो भी गिरने लगी, कृषि उत्पादन की मांग भी है, मांग में क्या हो गिरावट आने लगी, वो भी गिरने लगी और निर्यात भी क्या है कम होने लगा, निर्यात भी कम होने लगा, किसानों की अपनी उपज जो है, अपनी उपज का उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा था। फिर लेकिन सरकार जो थी वो टैक्स में कटौती नहीं कर रही थी, यानी कि टैक्स तो हमको देना ही देना है। फिर इसके बाद गरीबी बहुत ही बढ़ती जा रही थी, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब कब हो रहा था, जब पूरे विश्व में महामंदी का असर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन कमीशन बनाई, लेकिन जब ये साइमन कमीशन बनी तो भारतीयों ने क्या किया, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। साइमन कमीशन जब बनी तो भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया, क्यों, इसलिए क्योंकि इस कमीशन के अंतर्गत, इस साइमन कमीशन के अंतर्गत कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय सदस्य को साइमन कमीशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारतीय जो है वो इसका, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और सन 1927 की
कृषि उत्पादन की। सन 1927 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में किए गए सुधारों की जांच करने के लिए 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा गया, जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। ठीक, लेकिन क्या हुआ इसमें, इसके बाद सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, इसके बाद जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विद्रोह किया था और कहा था साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। भारतीयों को ये कमीशन पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद लाला लाजपत राय, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे थे। तभी क्या हुआ, पुलिस कर्मियों ने भरी जनता में, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे, उसमें क्या किया था, गोली चला दी थी। तो लाला लाजपत राय कि उसी में मृत्यु हो गई और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय पूरी तरीके से बना लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय जब गांधी जी ने पूरी तरीके से बना लिया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, उन्होंने सबसे पहले नमक को चुना। नमक क्यों चुना, इस आंदोलन को करने से पहले गांधी जी ने सबसे पहले नमक को चुना। और नमक उन्होंने इसलिए चुना गांधी जी ने, क्योंकि जो नमक है वो हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, नमक हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, अमीर हो या गरीब हो। और गांधी जी जो है हर एक व्यक्ति को एकजुट, एकता की, एकता में बांधना चाहते थे। इस नमक यात्रा को शुरू करने से पहले, नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने सबको एकता के, एकता में बांधने का प्रयास किया। अमीर हो गरीब हो सबको। फिर उन्होंने अपने ये आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान किया, यानी कि गांधी जी कुछ लोग क्या कर रहे थे, इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, ठीक, मना कर रहे थे इसको करने से। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले यह किया, लॉर्ड इरविन था जो सरकार का, जिसको सरकार का वायसराय कहते हैं, उनके समक्ष क्या किया, 11 मांगे रख दी। जैसे गांधी जी ने कहा कि जो नमक है उस पर से टैक्स को, कर जो उस पर लगा है उसको हटा दिया जाए, नमक पर से कर को हटा दिया जाए और राजस्व की समाप्ति हो। तो कुछ शर्तें जो 11 मांगे रखी थी उनमें से ये भी कुछ थी, एक तो नमक से टैक्स हटाया जाए और दूसरा कि राजस्व को क्या किया जाए, राजस्व को भी कम किया जाए। परंतु इरविन ने क्या किया था, उनकी इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। इरविन ने गांधी जी की इन मांगों को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तब उन्होंने क्या किया था, एक पत्र लिखा था। फिर गांधी जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा, उन्होंने 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो उसमें क्या करेंगे, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे और फिर महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ा, ठीक। तब उन्होंने जब ये प्रारंभ कर दिया तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा
क्योंकि इरविन ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। किसी तरीके का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए गांधी जी ने ऐसा कहा था कि हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है करेंगे और तोड़ेंगे इस कानूनों को। फिर उन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी और 1934 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक, दांडी यात्रा क्या है ये देखते हैं। दांडी यात्रा में क्या था, दांडी यात्रा में इन्होंने क्या किया था, अपने जो है विश्वास पात्र 78 सदस्यों के साथ महात्मा गांधी ने अपने जो है विश्वास, यानी कि अपने जो 78 विश्वास पात्र जो सदस्य थे उनको, उनके साथ जो है एक नमक यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। नमक यात्रा उन्होंने क्या करी, शुरू कर दी। साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 200 किलोमीटर पैदल यात्रा उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जो गुजरात में है वहां तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। और यात्रा के उपरांत इन्होंने क्या किया था, यात्रा के समय इन्होंने जो भी लोग इनको अपनी यात्रा के दौरान मिल रहे थे उनको ये अपने विचारों से अवगत करा रहे थे, अपनी बातों से अवगत करा रहे थे कि ये आंदोलन चल रहा है, इसको मानेंगे तो ये सब चीजें होंगी। तो क्या हुआ था, लोग जो है इनकी बातों को मानने लगे थे, इनकी बातों से सहमत हो रहे थे और उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन में उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया था। तो क्या है, ये आंदोलन जो है बहुत शक्तिशाली होता नजर आ रहा था। जब अंग्रेजी सरकार को ये पता चला कि ये जो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है वो बहुत जो है बहुत सक्सेस हो रहा है, तो क्या किया था अंग्रेजों ने, गांधी जी को और उनके साथ जो नेता थे उनको क्या किया था, जेल में डाल दिया था। जेल में डाल दिया था तो जनता क्या बहुत भड़क गई थी, गांधी जी थे और इनके साथ एक नेता अब्दुल गफ्फार खान जो इसमें गांधी जी का सहयोग दे रहे थे, उन लोगों को क्या किया था, पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद 1934 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर देखिए क्या है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सामने आया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत जो है वो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन में अंग्रेजों को पूरी तरीके से क्या है, भारत छोड़ के जाने और भारत को पूर्ण रूप से मुक्त करके उन्हें वापस देने की मांग की गई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये आंदोलन जो है आगे जाके सफल हो गया था क्योंकि अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले गए थे और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। आज के लिए इतना ही, आपका ये पार्ट पूरा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।